मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग आए हैं इंडिया गेट पर, आप देख सकते हैं पीछे इंडिया। हम जो यहाँ पे लोग घूमने जो आए हैं उनसे हम कुछ बातें करते हैं। सर आप थोड़ा आगे आइए, आगे आ जाइए, आगे आइए, आगे आ जाइए, आगे आ जाओ। इंडिया गेट के बारे में क्या जानते हैं सर? क्या जानते हैं क्या, मेरे को नॉलेज नहीं है इंडिया गेट के। कहाँ से हैं आप? मैं तो यहीं से हूँ। यहीं से हैं? अच्छा, पहली बार आए हैं? हाँ पहली बार आए। मैडम आप इंडिया गेट के बारे में क्या, यहाँ पे मीन्स ये गेट काफी फेमस है। जी जी जी। उस पे जितने भी हमारे जो शहीद जवान थे सबका नाम लिखा हुआ है। अच्छा, वो जो पीछे है बंदूक है वो जो हमेशा जो जल रहा है? हम लोगों ने घूमा नहीं, वी आर राउंडिंग। ओके ओके ओके। अच्छा ये बताइए कि मतलब कैसा लग रहा है यहाँ पे आने का? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, बिल्कुल सही। नमस्ते सर, क्या नाम है सर आपका? जगदीश। सर कहाँ से आप? यहीं से? जोधपुर से। अच्छा पहली बार आए? पहली बार है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ये पता है आपको, इसके बारे में कुछ पता है? सर आप बताइए। नमस्ते। नमस्ते सर। पता नहीं है सर। सर कुछ भी बताइए ना। जो शहीद स्मारक ज्योति है एक। ओके ओके। हाँ सर आओ, और कुछ? शहीदों के स्मारक लिए बनाया हुआ ये। अच्छा लगता है कि नहीं? सोचते हैं तो कि हमारा जन्म इंडिया में हुआ है। बिल्कुल बढ़िया है। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। देखने के बाद? देखने के बाद अच्छा लग रहा है। पहली बार आए हैं सभी लोग? पहली बार नहीं, मैं पहले दो तीन बार पहले आया हूँ। ओके ओके। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। ये इंडिया और इंडिया गेट है वो देश का नाक है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर। इसलिए ये देश को गर्व होना चाहिए कि हमारे इंडिया में जन्म लेना है और यहाँ आना, ये देवभूमि है। जी जी जी। ये पूरे भारत देवभूमि है जी। इसलिए हर आदमी को हमेशा आना चाहिए जी, और देश और देश हित में और देश राष्ट्र के लिए हमेशा समर्पित रहना चाहिए आदमी। बिल्कुल सर बिल्कुल सर। सर एक चीज़ और मुझे बता दीजिए, अभी आप घूमे कि नहीं पूरे? मैं आधा आधा घूमा, पूरा नहीं घूमा सर। अच्छा लेट आए क्या आप? लेट आया, अभी घंटा भर से आया। ओके ओके ओके। वो जो आप पीछे देख रहे हैं वो देखिए, वो जो छतरी है उसके बारे में कुछ पता है क्या? लाल किला है सर। जानकारी देने के लिए धन्यवाद सर। तो देखा मतलब यहाँ के लोग अच्छी जानकारी रखते हैं इसके बारे में, तो कुछ और लोगों से भी बातें करते हैं। आगे जाइए सर, आप आगे जाइए। जो आप देख रहे हैं वो हमेशा 2400 घंटा और हर 2400 घंटा 365 दिन वो जलता रहता है, और आप उस पर देख पा रहे होंगे कि वो एक वहाँ पे एक बंदूक है जिसके ऊपर एक जवान की टोपी जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा, उसको दिखाइए। जवान की टोपी जैसा दिखाई दे रहा होगा जो राइफल के ऊपर जो टोपी रखी हुई है आप देख सकते हैं। और ये इस पे इंडिया गेट पर 13,300 सैनिकों के नाम दर्ज हैं। आप थोड़ा इसे जूम करके दिखाइए, देखिए नाम जो है पूरा इस पे दर्ज है। और इसकी मेन खासियत ये है कि ये लाल और पीले बलुआ पत्थरों से बनाया गया है। तो यहाँ का जो माहौल है बहुत अच्छा है, और शाम के 4 बज गए हैं, तो यहाँ के लोगों से हम कुछ बातें करेंगे। आप देख सकते हैं ये इंडिया गेट है, इसकी मूल खासियत यही है कि ये जैसा बना था आज तक वैसा के वैसा ही है। और आप इस पर देख सकते हैं, अगर आप सर आप थोड़ा सा जूम करके थोड़ा आप दिखाएंगे तो देख सकते हैं कि जो जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, जो हमारे सैनिक जो शहीद हुए थे उनके नाम यहाँ पे दर्ज हैं। 13,300 लोगों के नाम यहाँ पे दर्ज हैं, आप देख सकते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहिल। कहाँ से हैं आप? सर मैं यहाँ से, वैसे दिल्ली में मैं यहाँ काम करता हूँ, वैसे मैं एटा से हूँ। ओके ओके। आप यहाँ पर फर्स्ट बार आए हैं? पहली बार यहाँ पे आए हैं? हाँ जी। अच्छा पहली बार आए, कैसा लग रहा है? सर अच्छा लग रहा है, चमक रहा है धूप से। धूप से चमक रहा है, अच्छा है। अच्छा आप ये बताइए कि मतलब इसकी कुछ खासियत पता है आपको? खासियत क्या है, ये एक हमारे हिंदुस्तान का गेट है, इंग्लिश में इंडिया गेट कहते हैं। और हमारे फौजियों के जितने भी संजादी दिए जाते हैं, जो भी वर्ल्ड वार में मारे गए हैं जो उनके नाम है, और 3 फ्लैग है, एयरफोर्स नेवी आर्मी से है। ये हमारी फ्रेम है, कंटिन्यू जो आग जलती है वो स्पेशल जो होती है, चारों जलती है 26 को और 15 को, नहीं तो एवरी डे एक जलती है, एक जलती रहती है, मतलब हमेशा 24 घंटे 365 दिन। यस यस। वो बंदूक बंदूक जो रखी गई है उसके ऊपर, वो उसके बारे में थोड़ा कुछ बता दीजिए। वो क्या है, हमारे सैनिक का ही है, पर इतना तो पता नहीं हो, इतना पता हमारे सैनिकों का ही है जो भी। ओके, इतना खासियत। अच्छा यहाँ पे रहते हैं क्या? कैमरा मैन है आप? फोटो खींच? नहीं नहीं नहीं।
क्या करते हैं आप यहाँ? मैं ऐसे घूमने आया था। अच्छा, अकेले आए हो? हाँ जी। अकेले? अच्छा तो नहीं लग रहा होगा। क्यों, अच्छा क्यों नहीं लग रहा है? अच्छा लग रहा है। फ्रेंड? अच्छे लोग हैं, अच्छी लड़के हैं, अच्छे लड़के हैं। नहीं, आपके साथ फ्रेंड? फ्रेंड नहीं, फ्रेंड तो क्या है, किसी को प्रपोज करो अभी फ्रेंड बन जाएगी। ओके, बिल्कुल सही। अच्छा ही दिखाओ, प्रपोज बन जाएगी। बिल्कुल 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 सही। अच्छा ये बताइए कि आप बस यही आए हैं कि और भी कहीं घूमेंगे दिल्ली में? नहीं, आज तो मंडे को हर प्लेस बंद होती है, इंडिया गेट ओपन रहता है। जी जी जी, जो सब यहीं पे आज क्राउड यहीं का है। नहीं मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि मतलब आप मुख्य रूप से यहीं पे घूमने आए थे, आप इंडिया मतलब दिल्ली में और कहीं भी घूमेंगे? दिल्ली में सारी जगह आया था, सारी प्लेस आज बंद है, सोमवार को सारी प्लेस बंद होती हैं। जी जी जी, तो यही ओपन था, तो हम सब यहीं हैं। अच्छा अच्छा, कहाँ इसके बाद आप कहाँ के कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? अपनी ट्रेन पकड़ेंगे और जाएंगे, घर चले जाएंगे। नहीं अभी तो जामा मस्जिद है, लाल किला है, ये सोमवार को ही बंद रहता है। हमने किसी से पूछा था, ये बंद रहता है। जी जी, बस घूमेंगे, जो भी है शॉर्टकट घुमाए, जैसा भी घुमाया घूमेंगे। अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छा लग रहा है। वीडियो आपकी आएगी, स्टूडेंट अंकित पटेल, आप लिख देंगे आ जाएगा। ठीक है, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। क्या नाम है? अंकित। अंकित, स्टूडेंट अंकित, सर्च करेंगे यूट्यूब पे मिलेगा। ठीक है, हमने एक भारती से बात की, अच्छा रिस्पांस मिला हमें। हम यहाँ पे आए हैं, कुछ लोग और लोगों से भी बातें करेंगे।